नमस्ते, कैसे हो आप सब। सो मेरे पास है दोस्तों पोको F1 एंड इसे लगभग मैंने 2 साल MIUI के साथ यूज़ किया है एंड 2 साल के बाद फाइनली मेरे पास जो पोको F1 है इसका बुटलोड अनलॉक करके रूट करके मैंने बहुत सारी कस्टम रोम को ट्राई किया है। एक कस्टम रोम था जो कि मैंने ट्राई नहीं किया था एंड जो कि मेरे को 100% ट्राई करना था, उसका नाम है पिक्सल एक्सपीरियंस। एंड फाइनली दोस्तों आज मैंने जो पिक्सल एक्सपीरियंस रोम है उसे इंस्टॉल किया है अपने पोको F1 के अंदर एंड यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपको मालूम चल जाएगा जो पोको F1 है उसके अंदर क्या पिक्सल एक्सपीरियंस रोम कैसा काम करता है, कैसा इसका परफॉर्मेंस है एंड क्या ये जो पिक्सल एक्सपीरियंस रोम है क्या MIUI से बेहतर है, इसके बारे में वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। सो सबसे पहले भाई सब चलते हैं इसका सेटिंग्स मेनू के अंदर एंड सेटिंग्स मेनू के अंदर से चलते हैं अबाउट फोन के अंदर। सो जैसे कि आप देखिए पा रहे हो एंड्रॉइड 11 के साथ हमें यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिल गया है। सो जो कर्नल यहाँ पर यूज़ किया गया है वो भी आप देख पाओगे ईट्यूब ओपी कर्नल यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है पिक्सल एक्सपीरियंस के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है। जैसे आपको मालूम होगा जो MIUI है एक हैवी स्क्रीन है एंड जो पिक्सल एक्सपीरियंस है गूगल पिक्सल की तरह है और एक स्टॉक लाइक एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा। MIUI के अंदर जो रैम मैनेजमेंट है बहुत ही बेकार है बट पिक्सल एक्सपीरियंस के अंदर रैम मैनेजमेंट एकदम टॉप नॉच है, एकदम फाड़ू हमें जो है देखने को मिल जाती है। मेरे को अगर चॉइस मिले तो मैं दोस्तों डेफिनेटली जो पिक्सल एक्सपीरियंस रोम है उसे ही यूज़ करूँगा एंड MIUI को कभी भी यूज़ मैं नहीं करूँ, क्योंकि जो पिक्सल एक्सपीरियंस है भले इसके अंदर ऑप्शंस कम हो बट फिर भी जो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है, जो रॉ परफॉर्मेंस है एंड जो अच्छा स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलता है वो दोस्तों MIUI के अंदर देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर अगर आप कोई भी यूज़र हो जो कि MIUI के अंदर हो, रियल मी UI की यूज़ कर रहे हो, इस तरह की कस्टम स्क्रीन की यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके फ़ोन के ऊपर आप रूट करके TWRY को इंस्टॉल करके जरूर से एक बार जो पिक्सल एक्सपीरियंस रोम है इसे यूज़ करके देखिए। जो पिक्सल एक्सपीरियंस रोम है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पावर एंड रॉ पावर हमें देने को मिलता है, जो परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड करते हो काफ़ी लाजवाब है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो बिल्ड है थोड़ा सा पुराना बिल्ड है, अप्रैल का बिल्ड अभी चल रहा है, मई का महीना है, इसके अंदर ऑफिशियली जो बिल्ड है अवेलेबल नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर अप्रैल का जो बिल्ड है वो दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले इस बिल्ड के अंदर एक बग है, यहाँ पर जो आपका एट ग्लेंस है इसके अंदर जो वेदर एप्लीकेशन है और वेदर इंफॉर्मेशन है वो नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर एट ग्लेंस के अंदर कैलेंडर और वर्क फाइल है बट जो वेदर है वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। इसके देख पा रहे हो यहाँ पर जो वेदर इंफॉर्मेशन है हमें यहाँ पर दिखाना चाहिए बट यहाँ पर नहीं दिखाता है, बट कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर जो गूगल है गूगल दिखाई देगा ऊपर। एंड इस बिल्ड के अंदर जो फेस अनलॉक है वो काम करता है एंड डेफिनेटली उसको फेस अनलॉक एक मेजर फीचर है, देख ही पा रहे हो मैंने फिंगरप्रिंट भी डाल के रखा है, फेस अनलॉक भी डाल के रखा है। एंड अगर बात करें इंक्रिप्शन की तो ये जो बिल्ड है इंक्रिप्टेड बिल्ड है। अगर बात करें फिंगरप्रिंट की तो देखो टैप किया ओपन हो गया, देखिए पा रहे हो मैं टैप कर रहा हूँ एंड ओपन हो जा रहा है। नाउ फेस अनलॉक ट्राई करके देखते हैं, वाओ फेस अनलॉक भी काम कर रहा है, देखिए पा रहे हो। सो तीनों को देने बाद जो फेस अनलॉक है वो यहाँ पर ओपन हो गया एंड फेस अनलॉक को भी इम्प्रूव करके दिया गया है। नाउ अगर बात करें पर बूट एडमिशन की तो बूट एडमिशन देख लीजिए किस तरह से हम देने को मिलता है। सो हम फोन जो है यहाँ पर रीसेट कर रहे हैं एंड यहाँ पर आपको गूगल का लोगो देखने को डेफिनेटली मिल जाएगा एंड इस सॉन्ग का जो डाउनलोड लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर आप इस सॉन्ग को डाउनलोड करके देख सकते हो। पोको आ गया है पावर्ड बाय एंड्रॉइड करके लिखा गया है, आई होप यू कैन सी इट बाय सब। ओके सो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड यहाँ पर गूगल का जो है डार्क बूट एनिमेशन देखने को मिलेगा। सो इस रोम के अंदर क्या किया गया है दोस्तों, यहाँ पर जो बूट एनिमेशन है उसे डार्क किया गया है एंड बहुत ही जल्दी जल्दी बूट होता है, बूट एनिमेशन जो है काफी फास्ट है एंड डार्क बूट एनिमेशन हमें देने को मिलता है। परफॉर्मेंस एंड जो स्टेबिलिटी है उसमें भी इम्प्रूव किया गया है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमें देने को मिलता है। यहाँ पर और एक चीज है दोस्तों पिक्सल एक्सपीरियंस का मैंने जो कि नोटिस किया है, यहाँ पर जो CPU फ्रिक्वेंसी है दोस्तों वो ड्रॉप नहीं होता है। क्या है दोस्तों यहाँ पर जो CPU फ्रिक्वेंसी क्या है, मतलब अगर आप कोई भी टास्क करते हो दोस्तों जिसके अंदर CPU की फ्रिक्वेंसी की जरूरत है दोस्तों, बैटरी सेव करने के लिए आपका जो CPU का फ्रिक्वेंसी उसे ड्रॉप नहीं किया जाता है, आपको अच्छा CPU फ्रिक्वेंसी मेंटेन किया जाता है। जो थर्मल कॉन्फिक है वो काफी ज्यादा स्मूथनेस है, थर्मल थ्रॉटलिंग दोस्तों यहाँ पर एकदम कम देखने को मिला है जो काफी बढ़िया बात है। एज वेल दोस्तों मैंने और एक चीज नोटिस किया है, यहाँ पर हमें डायनामिक थर्मल प्रोफाइल देखने को मिल जाती है जो कि पिक्सल थर्मल इंजन के साथ काम करते हैं, जो कि गेमिंग के लिए काफी बढ़िया है। मतलब जब आप गेम खेलोगे आपको जो परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच मिलेगा, आपको जो बैटरी है वो ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा, आपको परफॉर्मेंस के अंदर प्रायोरिटी देखने को मिलेगा, बाकी अगर आप और कोई काम करोगे तो डिफॉल्ट जो प्रोफाइल है वो काम करेगा।
इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो रैम है, रैम के अंदर कर्नल के अंदर एक चीज किया गया है, जो कर्नल है दोस्तों ये कर्नल रैम को सस्पेंड कर देता है, मतलब रैम जो है दोस्तों रैम को फ्रीज करके रखता है, तो आपका जो बैटरी ड्रेन है वो कम होता है। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर बैटरी में जाके, सो यहाँ पर देखिए मैंने 6 आवर्स अगर चार्ज किया था, 6 मिनट के यूजेज से बैटरी जो है अभी भी 88% के आसपास है, लगभग 12% का ड्रॉप हुआ है। अगर मैं बात करूँ आपको बैटरी यूजेज की, तो बैटरी यूजेज जो है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कुछ भी मैंने यूज नहीं किया। सो आपको मैंने जैसे कि बोला जो कर्नल है वो बैटरी ड्रेन को हैंडल करता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड ये जो कर्नल है दोस्तों, इस कर्नल का 4.9 वाला बिल्ड है। एंड और एक बात है दोस्तों, यहाँ पर जब आपका फोन की बैटरी 10% से नीचे हो जाएगा, तब दोस्तों आपका जो मैक फ्रिक्वेंसी है दोस्तों 1286 मेगाहर्ट्ज़ तक आएगा ऑनली, मतलब 2.8 गीगाहर्ट्ज़ तक तो जाएगा ही नहीं, 1.2 गीगाहर्ट्ज़ तक जाएगा। सो मैक फ्रिक्वेंसी को कम करके 1.2 गीगाहर्ट्ज़ तक लेके आएगा जब आपका जो बैटरी है वो 10% से कम होगा, तो एक चीज़ भी मैंने नोटिस किया है। सो अगर आप दोस्तों जो थर्ड पार्टी कर्नल है उसे अगर आप यूज़ करना चाहते हो, तो देख लीजिए पिक्सल थर्मल के अंदर इसका सपोर्ट है या नहीं। एंड इस रोम को आप बैटरी फ्लैश कर सकते हो अगर आप पुराना वर्सन को यूज़ करते हो और नॉर्मल वर्सन को यूज़ करते हो, बट अगर आप प्लस वर्सन को यूज़ करते हो तो सबको क्लीन फ्लैश करना होगा। एंड मैं भी आपको क्लीन फ्लैश करने के लिए ही रिकमेंड करूंगा। एंड मेरे पास जो है दोस्तों ये प्लस वर्सन है, पिक्सल एक्सपीरियंस का 2 वर्सन होता है, पिक्सल एक्सपीरियंस एंड पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस। प्लस के अंदर थोड़ा सा ज्यादा कस्टमाइजेशन देने को मिलता है, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देने को मिल जाती है, गैशियस नेविगेशन का ऑप्शन देने को मिल जाती है, गैशियस इंडिकेटर को बंद कर सकते हो, एंड 2 बटन नेविगेशन भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सरस बार के अंदर ट्रैफिक इंडिकेटर है, टैप टू स्लीप है, लॉक पोजिशन है, सेकेंड है, MPM है, बैटरी स्टाइल को डाल सकते हो, परसेंटेज को डाल सकते हो, ऑटोमेटिक आइकन को डाल सकते हो, ब्राइटनेस स्लाइडर को दिखा सकते हो, ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो, क्विक पुल डाउन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, रोज एंड कॉलम्स के अंदर, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप के अंदर, ऐसा अगर आप चेंजेस करोगे तो यहाँ पर से चेंजेस हो जाएगा, ये भी ऑप्शन डाल दिया गया है। ये चीज़ हमें देखने को मिलता है प्लस के अंदर, जो कि हमें नॉर्मल जो एडिशन है उसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पर हमें लाइव डिस्प्ले का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, पिक्चर एडजस्टमेंट है, कलर कॉम्बिनेशन है, उसके बाद कलर प्रोफाइल हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर ब्लर को जो है, ब्लर का ऑप्शन नहीं है भाई सब, बट यहाँ पर टैप टू वेक अप, टैप टू स्लीप का भी ऑप्शन डाल दिया गया है। नाउ दोस्तों पहली दफा जब इस रोम को फ्लैश करोगे दोस्तों, कुछ 1-2 आवर के लिए आपका जो रोम है दोस्तों सेटलमेंट होगा, थोड़ा सा जिटर देखने को मिल सकता है 1-2 आवर के लिए, उसके बाद आपका जो रोम है काफी बढ़िया काम करेगा, नो इश्यू एट ऑल। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर कोई भी क्योंकि दोस्तों एंड्रॉइड 11 का बिल्ड है दोस्तों, सो अभी मैं आपको कर्नल को फ्लैशिंग करने का रिकमेंडेड नहीं करूंगा। एंड बाय डिफॉल्ट दोस्तों इस रॉम के अंदर कोई भी कैमरा देखने को नहीं मिलता है, बट दोस्तों आप चाहो तो गूगल कैमरा को फ्लैश कर सकते हो, जो पैरोट है एंड जो सैंडी का बिल्ड सो बढ़िया काम कर रहा है। एंड कैमरा टू पे के अंदर यहाँ पर फुल का सपोर्ट है, तो आप डायरेक्टली जो गूगल कैमरा है उसे यूज कर सकते हो। एंड इस रॉम के अंदर जो जी एप्स है वो प्री इंस्टॉल है, तो आपको अलग से फ्लैश नहीं करना होगा, वेंडर एंड फेवर को भी डाल दिया गया है, जो कि काफी बढ़िया बात है। बाद में आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो रेडमी नोट 7 है उसका भी पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस का अनऑफिशियल बिल्ड का लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, उसे चेकआउट कर लीजिएगा अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो। उसके अंदर भी दोस्तों आपको और भी बहुत सारी स्टफ्स देखने को मिल जाएगी। एनीवे नाउ बात कर लेते हैं पर रियल लाइफ परफॉर्मेंस के अंदर, सबसे पहले बात कर लेते हैं 3D Mark के अंदर। देखिए दोस्तों 16 यहाँ पर 49 हमें देने को मिला है, यहाँ पर स्कोर 9.90 है FPS, एंड ये हमें वाइल्ड लाइफ के अंदर देखने को मिल गया है। नेक्स्ट आप जो है यहाँ पर चलते हैं दोस्तों गिगबेंच के अंदर, गिगबेंच के अंदर आज तक सबसे ज्यादा हमें स्कोर यहाँ पर देखने को मिला है, देख लीजिए स्कोर कितना है 507 फॉर सिंगल कोर, मल्टी कोर के लिए 1977। देख सकते हो ये जो कर्नल है दोस्तों ईट्यूब ओपी कर्नल काफी धासु कर्नल है, एंड यहाँ पर जो एवरेज है एवरेज से कितना ज्यादा आया है सिंगल कोर के अंदर, मल्टी कोर के अंदर भी कितना ज्यादा आया है। सो यहाँ पर फाड़ दिया है पिक्सल एक्सप्रेस ने, एक्चुअली लिटरली फाड़ दिया है, परफॉर्मेंस एकदम ओपी है भाई सब, मजा आ जाएगा इस रॉम के अंदर अगर आप इस रॉम को यूज करते हो तो। नाउ चलते हैं दोस्तों यहाँ पर सीपीयू थ्रॉटलिंग के अंदर, हमने सीपीयू थ्रॉटलिंग का जो टेस्ट है उसे भी किया है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट के अंदर दिखाता हूँ। ये देखो पहला दफा मैंने 7 मिनट के लिए टेस्ट किया, 190 का है मैक्स, एवरेज है 181, मिनिमम है 162, 92% का मैक्स परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल गया है। एंड इस बार क्या है 10 मिनट के लिए 177 गया है मैक्स, 166 एवरेज, 151 मैक्स, 89% का परफॉर्मेंस है मैक्स। सो ओवरऑल दोस्तों जो ग्राफ अगर आप देखोगे एंड जो मिनिमम एंड मैक्सिमम देखोगे दोस्तों इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो परफॉर्मेंस है काफी स्टेबल है, आपको जो परफॉर्मेंस है एकदम पकड़ के रखेगा, आपका जो परफॉर्मेंस है एकदम कम नहीं करने देगा, जो ये काफी बढ़िया बात है। हमने यहाँ पर रूट भी करके रखा है, सो मैजिक को हम ओपन करते हैं, मैजिक हाइट को हम यहाँ पर से डाल देते हैं, एंड यहाँ पर
सेप्टेंट में चलते हैं, देख लेते हैं बैंकिंग एप्लीकेशन काम करेगा या नहीं। जैसे देख पा रही यहाँ पर पास हो गया है, इसका मतलब है जो बैंकिंग एप्लीकेशन होगा गूगल पे, उसके बाद फोन पे, इस तरह की यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन काम करेगा क्योंकि यहाँ पर जो सेप्टेंट है वो पास हो गया है। सो ओवरऑल दोस्तों ये जो गूगल कैमरा है वन ऑफ द गूगल कैमरा बोल रहा हूँ वैसे, ये जो पिक्सल एक्सप्रेस रॉम है वन ऑफ द बेस्ट रॉम है पोको फोन के लिए। अगर आपको एक एक्सट्रीम गुड परफॉर्मेंस चाहिए, एक्सट्रीम गुड बैटरी बैकअप चाहिए, सिंपल आपको रॉम चाहिए, ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं चाहिए, तो ये जो रॉम है आपके लिए तैयार किया गया है। गेमिंग परफॉर्मेंस एकदम फाड़ो है, मैंने गेम भी खेल के देखा है, काफ़ी बढ़िया चलता है। एंड जो स्कोर हमें देखने को मिला है सीपीयू के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल गया है। डेफिनेटली दोस्तों इस जो पिक्सल एक्सपीरियंस है वो बेटर है MIUI से, क्योंकि MIUI का काफ़ी लैग होता है, काफ़ी हैंग होता है, रैम मैनेजमेंट एकदम पोर है, एंड एनिमेशन के वजह से दोस्तों जो MIUI है काफ़ी पीछे आ गया है पिक्सल एक्सपीरियंस के मुकाबले में। एंड डेफिनेटली दोस्तों मेरे पास अगर चॉइस रहता तो मैं MIUI छोड़ के पिक्सल एक्सपीरियंस यूज़ करूँगा। एंड होपफुली दोस्तों अभी वही करोगे, आपका क्या थॉट्स है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आपको क्या लगता है MIUI बेहतर है और क्या पिक्सल एक्सपीरियंस बेहतर है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। एंड अगर आपको इस पिक्सल एक्सप्रेस रॉम को डाउनलोड करना है लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एज वेल मैं रेमी नोट 7 का जो अनऑफिशियल बिल्ड है उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। एंड अनऑफिशियल बिल्ड के अंदर दोस्तों क्या क्या देखने को मिलता है मैं बोल दे रहा हूँ। तो सबसे पहले प्रीडेटर का जो स्टॉर्म बेकर करने लगा हमें देखने को मिलता है, शामी पार्ट्स को ऐड करके दिया गया है, एंड दैट्स प्रीटी मच इट कैटलॉग के अंदर, इससे ज्यादा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो चलो भाई सब वीडियो को यहाँ पर बंद करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।